कृषि कानूनों के विरोध में किसान 77 दिन से आंदोलन कर रहे। किसानों की मांग है कि सरकार कृषि कानूनों को रद्द करे। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत से किसान आंदोलन की रणनीति, सरकार से बातचीत को लेकर खास बातचीत किए संवाददाता जतिन गोस्वामी ने देखे। राकेश टिकैत जी इस समय हमारे साथ मौजूद है, मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाऊं। यहाँ देखिए, यहाँ एक केक कटा है। किनका केक कटा है वो सीधे हम उनसे पूछ लेते हैं। आज का दिन काफी अहम है, प्रियंका गांधी यूपी में जा रही हैं और लगातार आंदोलन, आप कुरुक्षेत्र गए थे, कल ये बात हो रही थी कि महाभारत में कुरुक्षेत्र था, आप भी कुरुक्षेत्र गए, रणभूमि, तमाम तरह के शब्दों की अब उच्चारण यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। केक भी कटा है, क्या आज की प्रतिक्रिया? आज की प्रक्रिया है कि किसी जवान का जन्मदिन था, हमारे कानून में खबर आई कि मेरा जन्मदिन है, परिवार वहां इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जन्मदिन किसान मनाएगा उसका, जवान का, हाँ नाम तो नहीं हम बताएंगे उसका, हाँ ना भाई, किसान उसका परिवार ये है, उसको घर की याद ना है, वो अपनी ड्यूटी पर है, जन्मदिन तो किसान मनाएगा। मतलब आपको पता चला कि किसान जो जवान है वो ड्यूटी पर है और उनके घर में बर्थडे नहीं मनाया जा रहा है, आपने बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट किया? यही है ड्यूटी पे, यही अच्छा, यही ड्यूटी, हाँ यही है ड्यूटी। तो कहीं आपके गांव से तो नहीं है? नहीं, गांव से नहीं है, हमारे तो गांव सारा ही हमारा गांव है, तो उसका ही जन्मदिन किसान मना रहे। क्या चल रहा है महाभारत में? अब मैं महाभारत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ हालांकि, लेकिन क्या चल रहा है इस आंदोलन में? ये तो आंदोलन चलेगा लंबा, हाँ लंबा चलेगा। प्रियंका गांधी जा रही है, कहीं सियासी रंग तो नहीं लेने लगा? आप कहते हैं कि कोई मंच नहीं दिया जाता, लेकिन पूरा ओवरऑल आंदोलन तो कहीं सियासी रंग नहीं? अरे अच्छा, वे क्या ठल्ली रहेगा, जिसका जो काम है अपना करता रहेगा, जब वो आते हैं तो क्या आपका रहता है? नहीं नहीं, हमारा कुछ नहीं, तो आओ घूमो, सब लोग आ रहे हैं, आप भी तो आते हो और लोग भी ऐसे ही आते हैं। आपने सुना देखा प्रधानमंत्री ने सदन से निमंत्रण दिया, कोई बात हुई अभी, कुछ आगे बढ़ी बात उसके बाद? ना यहाँ तो नहीं आया कोई, हम भी कह रहे हैं कि भाई बुला लो हमको, बात कर लो, अभी तो बातचीत नहीं हुई। वो एक फोन कॉल की दूरी अभी तय नहीं हो पाई है? नहीं, उनका फोन तो नहीं आया किसी का। सवाल आपसे है, क्योंकि देखिए इस समय किसान आंदोलन के सबसे बड़े मुख्य चेहरे आप हैं। ना, तो ना, हम नहीं है, हमारी कमेटी और ये किसान है, हम नहीं, क्योंकि नेतृत्व आप है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि कैसे बात आगे बढ़ेगी? अरे सरकार जब बात करेगी तभी तो आगे बढ़ेगी, बगैर बात करे बात हो जाएगी क्या? आप भी प्रयास हालांकि अपनी तरफ से कर रहे होंगे? हम तो सरकार को ढूंढ रहे 7 साल से, सरकार मिल नहीं रही, कहाँ है सरकार, मिले तो बताइए। हमने देखा था मंच से, हालांकि वो उस दिन बहुत दुखद था, पूरा देश आंसू भावुक आप हुए, कल प्रधानमंत्री भी भावुक हुए, सबने देखा, हालांकि वो एक राजनेता के लिए हुए जिनको विदाई दे रहे थे, क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या? अब पता नहीं क्यों हुए होंगे, किसान के लिए एक दिन में किसान के लिए हो जाए तो इसका देश का भला हो जाएगा, किसान का, गरीब का, क्योंकि अनाज तिजोरियों में जाने से बच जाएगा। जो व्यापारी आ रहे हैं वो भूख के आधार पर कीमत तय करेंगे अनाज की, कितनी भूख लगेगी कीमतें उसी आधार पर तय होगी। जब 26 जनवरी वाला सब कुछ हुआ उसके बाद और पहले भी, क्योंकि कई नोटिस जो है किसान नेताओं को आए थे, आपको भी आए थे, तो अभी क्या चल रहा है, आप कोऑपरेट कर रहे हैं जांच में, क्या कुछ चल रहा है? पता नहीं, हमें तो कोई बात हुई नहीं, हमारी तो हमारी कोई बात नहीं। यहाँ से लेकर सिंघू तक क्या चल रहा है, थोड़ा जानना चाहेंगे, और वो बॉर्डर पे क्या चल रहा है? नहीं नहीं, सब जगह इसी तरह से आंदोलन चल रहे और सरकार का इंतजार कर रहे, भाई बात कर लेगी तो बात करेंगे। महापंचायतों में क्या होता है, थोड़ा जानना चाहेंगे? महापंचायत में तो लोग इकट्ठे होते हैं और यही होता है कि हटना नहीं, उनका सहयोग की हमको रहती है कि दिल्ली के आंदोलन पर निगाह रखकर, ध्यान रखकर विपक्ष, क्योंकि प्रियंका गांधी जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट विपक्ष के रूप में चेहरा, क्या कहेंगे आप, यूपी में लगातार जा रही? हाँ तो जाना चाहिए भाई, हमको हमें नहीं कर रहे कि ना जहाँ जाना चाहिए थोड़ा घूमना चाहिए देश सब। प्रियंका और जयंत चौधरी लगातार महापंचायतें कर रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वो फायदा उठा रहे हैं आपके आंदोलन का। हमें क्या इलेक्शन लड़ना, हाँ हमें क्या इलेक्शन लड़ना, कोई उठा लो फायदा भाई, हाँ ये उठा लो, बीजेपी वाले क्यों नहीं उठा रहे, अपना बिल माफ करो और ये कह दे कि हम ना करे किसानों की अपने बात बननी, तो ये उठा लो, हमें इलेक्शन से उससे वोट से कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल इंडिया न्यूज पर, आईटीवी नेटवर्क पर सरकार आपको देख रही है, देश आपको देख रहा है, बस सिर्फ सवाल वही जो सबके जहन में है कि बात कैसे बनेगी, आप अपने माध्यम से जो भी कहना चाहें। अरे हम तो तैयार बैठे न, सरकार जो हमारे इशू है, 3 बिल है उनको वापसी ले ले, MSP पे कानून बना दे, पूरे देश को फायदा हो जाएगा, क्योंकि और जो मुकदमे है इनको वापसी ले लो, हमको मुकदमे लड़ने आ रहे हैं यहाँ पे।
दीप सिंधु की कल गिरफ्तारी हो गई, आप भी कह रहे थे हालांकि क्यों नहीं पकड़ते हैं तो कल पकड़ा। हाँ पकड़ा तो पूछताछ कर लो भाई उससे, क्या उसके उसमें था। बस आखिरी बिल्कुल ये कि कल मेरी किसानों से बात हो रही थी, आप महापंचायत में थे, यहाँ पर तमाम किसानों से बात हो रही थी, जब आपने भी प्रतिक्रिया दी प्रधानमंत्री के आपके प्रति बोलने के बाद, तो ऐसा लगा कि शायद दो तीन दिन में कोई तारीख निकल जाएगी, तो कोई तारीख निकलती हुई दिख रही है? आप नहीं जानकारी है उनका, जो भी संपर्क होगा उनका सिंगू बॉर्डर से है सरकार का, हमारे यहाँ से तो कोई उनका संपर्क है नहीं, ना पहले भी 11 दौर की बातचीत हुई, ना पहले भी यहाँ पे हमारे पास कोई आया, और ना हम अपने पास बुलाना चाहते। हमारा ऑफिस भी वही है और हमारे पंच भी वही है, हमें बुलाएंगे हम वहां चले जाएंगे मीटिंग में, इससे अगला हमारा कोई वो नहीं है। हम तो आंदोलन देखते हैं कि आंदोलन कैसे चलेगा, और जहां संयुक्त मोर्चा मीटिंग लगाता है वहां मीटिंग में जाते हैं। बात यस और नो पे होगी और कब तक आप बैठेंगे ये लास्ट? ये नहीं, वो सब कमेटी के लोग बताएंगे, हम तो बैठेंगे, हमें 2 अक्टूबर तक का टाइम दे रखा है सरकार को, आगे क्या सोच लेंगे हम, क्या करेंगे घर जाके। हालांकि हमने देखा कि पंखे वगैरह सब आने शुरू हो गए। हाँ गर्मी लगने लगे तो पंखे तो चाहिए, गर्मी की तैयारी करते हैं। राकेश राकेश टिकैत जी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने हमसे तमाम इश्यूज पर बात की और